नमस्कार, कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.1 प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग है। ये क्वेश्चन 2 के का दूसरा भाग है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्रमागत, क्रमागत होता है साथ साथ वाले, जैसे देखिए 5 छः ये क्रमागत हैं, 10 11 ये भी क्रमागत हैं, 18 19 ये भी क्रमागत हैं, और मान लो एक नंबर है 15, तो अगला क्या होगा, 15 प्लस 1 होगा तभी ये क्रमागत बनेंगे, ठीक है, या 15 माइनस 1 भी हो सकता है, सो दैट 15 माइनस 1 14 और 15 भी क्रमागत है, और 15 और 15 प्लस 1 16 भी क्रमागत हैं, ठीक है बच्चों। क्रमागत का मतलब क्या है, साथ साथ वाले पूर्णांक। तो मान लेते हैं, मान लो एक पूर्णांक है x, तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा, यदि ये क्रमागत है तो एक दूसरा पूर्णांक या तो इससे एक ज्यादा होगा या इससे कम होगा, तो हम मानते हैं दूसरा पूर्णांक है x प्लस 1। ये दो पूर्णांक हो गए क्रमागत वाले। क्रमागत का मतलब क्या है, बिल्कुल साथ साथ वाले, 18 19 25 26 ऐसे। दोनों का गुणनफल 306 है। गुणनफल किसके बराबर है, 306। गुणनफल का मतलब इन दोनों का गुणनफल, यानी कि x गुना x प्लस 1 बराबर है 306 के। इसे हम हल कर लेते हैं, आपने पहले भी ऐसे प्रश्न किए हैं। ये जो x है ये इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। x गुना x जब होगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, प्लस एक्स गुना वन होगा तो बन जाएगा एक्स, एक्स इंटू वन वन एक्स बराबर 306। अगले स्टेप में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, 306 बराबर से आगे है, हम इसे ले जाएंगे बराबर से पहले, तो ये प्लस का है इधर जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 306 बराबर, बराबर से आगे से 306 हट गया, बाकी कुछ नहीं बचा, इसका मतलब बाकी बचा है 0। तो हमें समीकरण बनानी थी, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है जिसे हम हटा सकें, इसलिए ये ही वो समीकरण है जो हमें निकालनी थी। हमें कहा गया था इन्हें समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो ये हमने समीकरण निकाल दी है। आशा करता हूँ ये वीडियो, ये भाग आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।